SDVM believes that a better future lies where the children get to learn themselves. At SDVM, academics, subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially skilled and healthier students. It's not just a group of buildings, it's an educational village. At SDVM, we encourage children to think independently and develop their own dreams. I am a huge fan of Virat Kohli and I want to be a cricket player. My dream is to be a police officer. We at SDVM do not believe that education is only about chalk and board. Education is the perfect balance between fun and discipline, between classroom and playground, between academics and co-curricular. Exciting, interactive, celebration of knowledge, pride of Panipat, the home away from home, a complete school. जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल, हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण, वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ, अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर, खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ, खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं, कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में CBSE से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। पानीपत के उद्योगपति परिवार वृंदावन भगवान के दर्शन करने गए और पीछे से तीन चोरों ने रेकी कर एक घंटे तक लगातार चोरी करी और 55 तोले सोना और 10 तोला डायमंड, 2 लाख रुपए नगद और 1 लाख की विदेशी मुद्रा भी लेकर फरार हो गए हैं। चोर बाइक पर सवार थे और जाते हुए और आते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। पानीपत में चोरों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर घर के बाहर ताला देखकर अंदर घुसकर चोरियां कर रहे हैं। ताजा मामला पानीपत की पॉश मॉडल टाउन कॉलोनी के हाउस नंबर 349L के उद्योगपति विनोद के घर की घटना का है, जब पूरा परिवार वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गया था। चोरों ने घर में रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी, रुपए और विदेशी मुद्रा पर अपना हाथ साफ कर दिया। यह घटना 21 तारीख रात लगभग 12 बजे की है, जब उद्योगपति परिवार समेत वृंदावन भगवान के दर्शन गए थे और पीछे से तीन चोरों ने घर की रेकी कर लगातार एक घंटे तक मकान पर हाथ साफ किया। तीनों चोर बाइक पर सवार होकर आए थे। CCTV फुटेज के अनुसार चोर बाइक पर लगभग रात को 12 बजे आए और एक एक करके घर के अंदर घुसे। 1 से 2 घंटे के बीच
चोरी कर बैग में सामान लेकर चोर फरार हो गए। घर के मालिक विनोद का कहना है कि घर पर 55 तोले सोना व 10 तोले डायमंड रखा था और चोर साथ में 2 लाख रुपए की नकदी व 1 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी लेकर चले गए हैं। इस मामले में डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि 21 तारीख रात की घटना है। लगभग रात 12:01 की बात है, चोर घर पर आए और ताला तोड़कर लगभग 30 तोले सोना और कुछ नकद व विदेशी मुद्रा लेकर फरार हो गए हैं, जो कि यूरो डॉलर हो सकते हैं। विद फैमिली हम बच्चों के साथ जो है ना वृंदावन गए थे शाम को 4 बजे। हम 23 तारीख को आए हैं तो यहाँ सब ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था। करीब 60 तोले सोना और 3 लाख रुपए कैश और ये सब हमारा चोरी हुआ है जी। 60 तोले के करीब था जी। डायमंड तो उसी में मिक्स था जी, अब ऐसे तो मैं नहीं पता। विदेशी मुद्रा एक जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज में 1 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए कैश था जी। नहीं हमें किसी पे कोई शक नहीं है। विनोद बंसल जी। माल टाउन का परिवार था, ये 20 तारीख को वृंदावन गए थे और जब ये वापस आए कल तो इनके घर में चोरी हुई मिली ताला तोड़ के। उन्होंने कल कंप्लेंट दी है और उस पर FIR कर लिए और हमारी CID की टीम भी एक्टिवेट कर दी। आने वाले मिले गई हुई हम इनको। क्या क्या सामान चोरी हुए सर? कितने? काफी ज्वेलरी और कैश कंप्लेंट भी उन्होंने दिया है। कुछ विदेशी करेंसी भी बताई जा रही तो काफी मात्रा में चोरी हुई। सोना कितने तो? एग्जैक्ट तो उन्होंने काफी मात्रा में 30 तोले के करीब लिखवाया है, बाकी तो देखेंगे, पकड़ी जाती है तो पता लगेगा असल में क्या था। कुछ सीसी फुटेज भी आया सर सामने? वो देख रहे हैं, लगी हुई है सारी टीमें, जो भी होगी तो उससे भी कुछ ना कुछ निकलेगा। सीसीटीवी फुटेज होगी तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा। ठीक है। पानीपत जीटी रोड एग्रोमाल के समीप फ्लाईओवर पर एक टेम्पो ट्रैवलर और एक कार की टक्कर हो गई। कार ने पीछे से टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि फ्लाईओवर से उछलकर एक महिला जीटी रोड पर गिर गई। दुर्घटना में महिला समेत एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। महिला के फ्लाईओवर से नीचे गिरते ही राहगीर इकट्ठा हुए। घटनास्थल के समीप दुकानदार सोनू बुलेट वाले ने तुरंत महिला को सामान्य अस्पताल पहुँचाया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को खानपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला प्रेग्नेंट है व उसकी दोनों टांगों पर गंभीर चोटें आई हैं। पूरा परिवार पानीपत से गन्नौर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में दुर्घटना हो गई। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी सतीश वत्स सामान्य अस्पताल पहुंचे और उन्होंने सोनू बुलेट वाले की घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए उनकी पीठ थपथपाई। इस बीच घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने फ्लाईओवर से दुर्घटना करने वाली कार को काबू करके मामले की जांच शुरू कर दी है। ये निकल के आए ना, जैसे तो हम 20 की स्पीड में थे, फुल ऑटो ले रहे थे, गाड़ी वाले ने टक्कर मार पीछे से। पुल से मेरी वाइफ गिरी थी और हम सब ऑटो के नीचे दबे हुए थे। पीछे वाली कम से कम 70-80 स्पीड में थी। मेरा नाम है दीपक। ये फ्लाईओवर के ऊपर गोहाना मोड़ के पास एग्रो मॉल है, वहाँ पर ये लोग गन्नौर जा रहे थे कि परिवार के 5 सदस्य थे इसमें ऑटो में। पीछे से गाड़ी ने इसमें टक्कर मार दी। लेडी उसका टक्कर लगने से जो उसमें एक महिला बैठी हुई थी वो नीचे फ्लाईओवर से नीचे आ गिरी, तो एम्बुलेंस उनको लेके आ गई है और ट्रीटमेंट अभी उनका चल रहा है। और मैंने डायरेक्शन दी SHO को तुरंत इस पर FIR करके उसको भी हमने पकड़ लिया। हमारा SHO ट्रैफिक मौके पर पहुंच गया था, शायद उसने गाड़ी को भी काबू कर लिया है एक्सीडेंट करने वाली और ड्राइवर को भी उसको पकड़ लिया। ये कहां रहने वाले सर? ये गन्नौर के पास इनका कोई गांव है दतोली, वहां जा रही थी। कितने इंजर्ड हैं सर इसमें? पाँच सदस्य हैं घर के, 5 इंजर्ड हैं। एक जो पुत्र वधु है उनकी साथ में, उसको थोड़ी सी ज़्यादा चोट है। एनहांसमेंट के मुद्दे पर उद्योगपतियों में रोष बना हुआ है। एनहांसमेंट की रिकैलकुलेशन को लेकर उद्योगपतियों ने हुड्डा विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया। धरना डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा की अध्यक्षता में किया गया। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि HSVP अधिकारी उनके साथ धोखा कर रहे हैं।
पूरे प्रदेश के सेक्टरों की एनहांसमेंट की रिकैलकुलेशन हो चुकी है, लेकिन सेक्टर 29 पार्ट 1 व पार्ट 2 की रिकैलकुलेशन नहीं की गई। उद्यमियों ने स्टेट ऑफिसर हुड्डा विभाग को ज्ञापन भी सौंपा। स्टेट अधिकारी ने उन्हें जल्द ही रिकैलकुलेशन करवाने का आश्वासन दिया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर धरने के दौरान भीम राणा ने कहा कि एनहांसमेंट की रिकैलकुलेशन के लिए ईओ ने उन्हें 15 दिन पहले आश्वासन दिया था कि वो जल्द ही ऑफिस बुलाएंगे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। पूरे प्रदेश की रिकैलकुलेशन हो चुकी है, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, इसलिए मजबूरन उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। दर्शन है, ये एनहांसमेंट को लेकर ही है मेन मुद्दा। वैसे तो मुद्दे हमारे बहुत कुछ हैं इसमें। एक तो जो सेक्टरों की रिकैलकुलेशन की है वो गलत की है, उसके बारे में हम बार बार स्टेट ऑफिसर से मिलते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर उड्डारो तक से भी मिले हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो एनहांसमेंट है, सबसे पहले 29 सेक्टर में ही आई थी, पार्ट वन और पार्ट टू में। उन्हीं सेक्टरों में रिकैलकुलेशन ही नहीं कर रहे, बड़ा विडंबना है, बड़ा अचरज की बात है कि स्टेट ऑफिसर कह देता है कि मेरे को एल ऑफिस से रिपोर्ट नहीं मिल रही। क्या वो उड्डा से अलग है एल ऑफिस, मुझे नहीं पता। हम पिछली बार वीरेंद्र उड्डा जी से मिले जो एडमिनिस्ट्रेटर रोहतक हैं, वो बोलते हैं यार एल ओ एक लेडीज है, वो मेरी सुनती नहीं है और मैं उसको ज़्यादा कह नहीं सकता, वो रिपोर्ट नहीं दे रही तो मैं क्या करूँ। तो ये सरकार कैसे चल रही है, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, इसका उदाहरण आप देख सकते हो। काफ़ी लंबे समय से चल रहा है ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष तो 3 साल हो गए हैं, लेकिन 8 महीने तो सरकार ने अपना काम कर दिया है। जो सरकार से हम चाहते थे और जो 3 जज की कमेटी थी, उस फैसले को हमने भी मान लिया, गवर्नमेंट ने भी मान लिया, गवर्नमेंट ने अपनी साइट में भी डाल दिया कि इसी हिसाब से आपको गणना करनी है। तो अधिकारी करने को तैयार नहीं है, अधिकारी ही सारे इसको गोलमोल घुमाए जा रहे हैं कि लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अपने जो घालमोल है उल्टे पुल्टे काम किए हुए उसको ही वो आगे रखे हुए हैं। आज कितनी संस्थाएं सपोर्ट कर रही हैं आपको? आज हमारे को, कल 9 थी, आज हमारी 14 एसोसिएशन हमारे को समर्थन दिया है, और ऐसे ही चलता रहा तो हम पूरे पानीपत को इकट्ठा करके हम दोबारा रोड पे उतरने को तैयार हो जाएंगे। हम आज भी रोड पे उतरने वाले थे, लेकिन हमारे माननीय विधायक श्री महिपाल जी बोले कि आप उड्डा ऑफिस जाओ और सारी बात करो, रोड शो ना करो, अभी रोड शो मैं आपका एक काम करवा के दूंगा। तो उनके कहने पर हमने रोड शो तो कैंसिल कर दिया है, लेकिन हम उड्डा ऑफिस सब इकट्ठे करें और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन देंगे आज हम यहाँ भी ज्ञापन देंगे और DC को भी ज्ञापन देंगे। नहीं किया है उसने, सिर्फ ये कहा कि भाई DC को ना दो। ये हमारा राणा जी ने कहा कि चलो हम ये कर देते हैं अगर आप इसका इंटरेस्ट आपका कर रहे हो, लेकिन हमारी मेरी तरफ से, मैं संयोजक उड्डा का संयोजक होने के नाते मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आंदोलन नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। हम DC को भी ज्ञापन देंगे, आने वाले टाइम में रोडों पर आकर के भी ज्ञापन देंगे और सरकार के प्रति अपना रोष जताएंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, न्याय की मांग हम कर रहे हैं। हम कोई भिखारी नहीं है, जो हम आपको कोई आश्वासन नहीं दिया, हमारे राणा जी को आश्वासन दिया है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, राणा जी को दिया, इसलिए फिर ये मैं राणा जी को बताना चाहता हूँ कि स्टेट अफसर की पोजिशन देख लो क्या है। जब उसने कल कहा था, कहा ये स्टेट अफसर क्यों नहीं, यहाँ दफ्तर में आता लोग धक्के खा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो ये अपनी जो एनहांसमेंट के नोटिस दिए थे उस कमजोरी को ये सरकार छिपा रही है कि अनाप शनाप में करोड़ों रुपए के लोगों को लूटा गया है, ये उस कमजोरी को छिपा रही है, इसलिए हमारे को रोड पाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और 26 तारीख से CA हुड्डा पंचकुला में प्रदेश स्तर का धरना शुरू हो रहा है, तो वहां मुख्यमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। बलजीत सिंह, हुड्डा सेक्टर संयोजक, जिला पानीपत। सरदार भूपेंद्र सिंह व डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर विभाग के ATP नवीन का आज विधायक प्रमोद विज ने समझौता करवा दिया। आपको बता दें कि सनोली रोड पर एक व्यापारी के अवैध निर्माण को गिराने जब सरकारी अमला पहुंचा था तो व्यापारी एकजुट हो गए थे और उनमें रोष भरा था। पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह गिरेबान से पकड़कर ATP नवीन को पब्लिक के बीचों बीच ले गए थे व पब्लिक ने मौके पर ATP के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौच व मारपीट की थी, जिसकी शिकायत ATP ने पुलिस प्रशासन को दी थी। इस मामले में पूर्व मेयर व अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले का आज पटाक्षेप हो गया, मामले में समझौता हो गया। विधायक प्रमोद के समक्ष एटीपी व पूर्व मेयर ने समझौते के कागज पर दस्तखत किए। 20 तारीख को हुए विवाद को 24 तारीख को विधायक व सांसद की सूझबूझ से सुलझा लिया गया। इस मामले में गौर करने वाली बात यह है, टी विभाग के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक व सांसद भ्रष्टाचार का पूर्ण विरोध करते हैं। भ्रष्टाचारियों पर मुखर विरोध करने वाले विधायक प्रमोद विज ने स्ट्रीट लाइट घोटाले के उजागर होने के बाद कड़ी कार्यवाही करते हुए सप्लायर्स व ठेकेदारों की पेमेंट तक रुकवा दी थी। पर बड़ी बात यह है कि जब भाजपा के लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मंच पर आते हैं तो संगठन का हवाला देकर विधायक प्रमोद विज उन्हें चुप करवा देते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक तरफ कर दिया जाता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही नगर निगम के सभी पार्षदों ने पूर्व मेयर पर JBM कंपनी से मिलीभगत करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद पूर्व मेयर ने स्काईलार्क में प्रेस वार्ता बुलाई तो विधायक प्रमोद विज ने संगठन का हवाला देकर उनकी प्रेस वार्ता रद्द कराई थी और बाद में अलग अलग बैठक करके पार्षदों व पूर्व मेयर से बात की थी व मामले को शांत करवाने का पूरा प्रयास किया था। मगर अगले ही दिन पूर्व मेयर ने दोबारा प्रेस वार्ता करके पार्षदों पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। एक बार फिर समझौता कराकर विधायक प्रमोद विज ने पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह का पूरा बचाव किया है, क्योंकि समझौता ना होने पर पूर्व मेयर पर दर्ज मामले के तहत उन पर कार्यवाही की जा सकती थी। बहरहाल पूर्व मेयर और ATP नवीन के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने में भाजपा के विधायक व सांसद सफल हो गए हैं। सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने में वे कब सफल होंगे, यह देखने वाली बात होगी। भ्रष्ट अधिकारी की वजह से था कि जिसमें सारे शहर के अंदर मोल खराब किया हुआ था, उसी की वजह से जो हमारे नवीन ATP हैं इनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, व्यापारी वर्ग से हुआ या मेरी तरफ से हुआ, तो हम सभी ने, मैं पूरे व्यापारियों की तरफ से भी मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ और जो गलती हुई है तो उसके लिए हमने नवीन जी से मिले और नवीन ने खुले दिल से स्वागत किया। मैं नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी फैमिली का धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ पर प्रमोद विज जी बैठे हैं, MLA साहब इनका, और जिन्होंने भी इस काम को मतलब कि सिरे चलाया है, हमारे DTP साहब भी बैठे हैं आजाद दुनिया इवेंट सबका तहे दिल से धन्यवाद। वहाँ बहुत बड़ा मॉब इकट्ठा हो गया और कुछ किसी एक अधिकारी के प्रति लोगों का रोष विशेष करके था, जिसके ऊपर रिश्वत के इल्जाम बहुत लगे हैं। जो गाड़ी से उतरे ही नहीं, नवीन जो उतर गए वो उतरा ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे तो। और वो लोगों का रोष बहुत बढ़ा हुआ था और उस गर्ल फैमिली में हमारे ATP नवीन जी वहाँ उपस्थित थे, जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है ही नहीं, लेकिन गलत फहमी में वहां के लोगों ने इनको भ्रष्ट अधिकारी समझते हुए, नाम मत लिखिएगा प्लीज, भ्रष्ट अधिकारी समझते हुए उनसे हाथापाई की नौबत आ गई। ऐसी घटना की हम पूर्णतः निंदा करते हैं, सबको संयम रखना चाहिए और अपनी बात कहने का हक होता है, अपनी बात को उस तरीके से रखें। ऐसी दुर्घटनाओं से कई बार अधिकारी का मनोबल और अधिकारी की मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। और आज इसी संदर्भ में हमने यहाँ एक विशेष आपस में बैठक की, जिसमें जो उपस्थित आपको पता ही है, जो लोग उपस्थित है आपने लिख लिया है, और बहुत ही अच्छे वातावरण में एक आपस में जो बातचीत हुई और गलतफहमियां सभी दूर होगी। और ये दे देंगे पुलिस में कि हमारा समझौता हो गया। आप कुछ देना चाहेंगे सर नवीन जी? कुछ भी बताइए, कुछ अगर बोलना चाहे तो बोल दीजिए। आपने क्या लिख के दिया है कि मैं संतुष्ट हूँ कार्रवाई? हाँ जी, जो भी इसमें आपको पता है कि उस घटना में जो जो थे उन्होंने अपने
दिल से उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और ये जो घटना घटी है वो गलत फहमी में हुई है, किसी और को की वजह से उसमें बीच में मैच आ गया और इस मैच को कब किसी पर्सनल के खिलाफ ऐसे लेके नहीं चल रहा हूँ। जो भी गलत फहमी हुई है और उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है और उन्होंने माफ भी कर दिया है और जो FIR इस मामले में जो दर्ज हुए हैं मुझे उस पर कोई आगे की कोई कार्रवाई नहीं करी है, करना चाहता। अगर विभाग इस पर कोई भी अगर निर्णय लेना चाहता है तो वो विभाग अपने स्तर पर ले।